वेलकम फ्रेंड्स, रात्रि के 10 बज चुके हैं और आपकी डीएलएड की क्लास शुरू हो चुकी है। चलिए देखते हैं आज हम अगला भाग यानी कि समानुपात का दूसरा भाग। इस क्लास को पूरा देखिएगा, आपको जानकारी समझ में आएगी, ये हमारी गारंटी होगी, लेकिन पूरा एंड तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, पढ़ाते तो बहुत लोग हैं लेकिन हम पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं, ऐसा हम मानते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए समानुपात, जिसे इंग्लिश में प्रोपोर्शन बोलते हैं, भाई मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, फिलहाल हिंदी में तो जानते हैं ना, समानुपात होता है। देखिए समानुपात के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने कल डिस्कस कर लिए थे, आज उसके आगे हम कुछ तथ्यों के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सवाल करना शुरू करेंगे, क्योंकि जो चीज शुरू करते हैं ना उसको एकदम अच्छे से मंथन करके तभी खत्म करते हैं। तो आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, जरूरी नहीं कोई विशेष, समानुपात जिसमें भी आता है सबके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए यदि ए बी सी ये समानुपाती हैं, तीन पद, ठीक है, तो ए अनुपात बी इक्वल बी अनुपात सी, ये होता है, आप सभी लोग इसको बात जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति में अब आप जानते हैं कि जब चार पद होते हैं तो आप बीच बीच का गुणा कर लेते हैं और बाहर बाहर का, यानी इसको जानते हैं ना, सूत्र मैंने कल लिखवाया हुआ था, है ना। तो उस तरह से क्या हो जाएगा, पहले और चौथे पद का गुणा दूसरे और तीसरे पद का गुणा हो जाता है, तो ए का सी में गुणा हो जाएगा, ए गुणे सी, बी का बी में, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपका एक फार्मूला बनता है, वो क्या बनता है कि मध्य पद बराबर अंडर रूट वाय पदों का गुणनफल। अगर कहीं तीन पद समानुपात में दिए गए हैं, आपको मध्य पद निकालना है, तो ये फार्मूला आप लगाएंगे। अभी हम आगे सवाल करेंगे तो आप देखेंगे, इसलिए इसे नोट कर लें, पूछेंगे हम आपसे, ठीक ना। शॉर्ट में आप बोल सकते हैं कि b इक्वल a गुणे c, ये सूत्र है आपका, फार्मूला है, ठीक है। आगे है आपका अनुलोम समानुपात। अनुलोम समानुपात जैसे अभी आपने देख लिया मध्य समानुपात, है ना, आप देखेंगे अनुलोम समानुपात, फिर प्रतिलोम समानुपात, इसके पहले आपने सतत समानुपात पढ़ लिया है। समानुपात कई प्रकार का होता है, इसमें बहुत से मैटर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अनुलोम समानुपात कब होता है, जब दो राशियां यानी कि मानते हैं x और y इस प्रकार की हो कि x के बढ़ने पर दूसरी राशि y में उसी अनुपात में वृद्धि हो, अथवा x के घटने पर दूसरी राशि y में उसी अनुपात में कमी हो, तो ये दोनों राशियां अनुलोम समानुपात कहलाती हैं। जैसे आपने सुना होगा वो सॉन्ग, भाई भाई में ऐसा होता है, सुना ना आपने, ऐसे कुछ है, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है ना। तो बिल्कुल इन दोनों में वही संबंध होता है, बिल्कुल वैसे ही, यानी अगर x में कोई प्रॉब्लम होती है तो y भी उतनी ही इसके साथ अपनी भूमिका निभाता है, यानी अगर x में कमी होती जितना, उतने y में भी क्या होती है, कमी होती है। x में जितने बढ़ोतरी होती है उतना ही y में भी क्या होता है, बढ़ोतरी होती है। तो ये हुआ अनुलोम समानुपात, इसका एग्जांपल अभी आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे प्रतिलोम समानुपात। पूरी क्लास देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, कुछ ना समझ में आने पर तुरंत कमेंट करिएगा। चलिए हम लोग अब कुछ सवाल करते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है भाई ये सब टॉपिक जो है, लेकिन आप लोग समझ लें, इसके बाद हम कुछ सवाल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रतिलोम समानुपात क्या होता है, जब दो राशियां एक्स और वाई इस प्रकार से हो कि यक्ष किसी अनुपात में बदलने पर, यानी यक्ष में अगर कोई बढ़ोतरी होती है या वृद्धि होती है तो वाई उसी के अनुलोम अनुपात में बदलती हो। अनुलोम मतलब जानते हैं, अगर यक्ष में पांच की कमी हो जाए, मतलब पांच की कमी हो जाए यक्ष में, तो वाई क्या करता है, पांच जोड़ लेता है, यानी वाई में पांच की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यानी क्या है, ये एक दूसरे के दुश्मन है, एक प्रकार से ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अगर आपकी कमजोरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपकी दुश्मनों की क्या होती है, साहस बढ़ता जाता है। तो इन दोनों में ऐसे ही समझिएगा। और अनुलोम समानुपात में क्या होता है, इन दोनों में मित्रता होती है, जैसे जैसे आपकी कमजोरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके मित्र की भी परेशानी बढ़ती जाती है, समझ रहे ना। तो मतलब समझ लीजिएगा, अनुलोम समानुपात में इन दोनों में मित्रता होती है, प्रतिलोम समानुपात में दोनों राशियों में बैर होता है, एक प्रकार से ऐसे मान लीजिए, समझ गए ना। तो x into y equal k होता है, जहां k एक अचर राशि है,
समझ रहे ना? आप जानते हैं अगर दो दुश्मन लड़ते हैं तो क्या होता है, खत्म हो जाता सब कुछ, है ना? तो यानी के आ जाता है, के मतलब एक नियतांक, एक आचार पद, कांस्टेंट, जिसका कोई मतलब ना, समझ रहे ना? तो आगे हम लोग अब आपको सवाल दिखाते हैं, फिर बताइएगा आप लोग अपने विचारों को, कमेंट करिएगा, क्लास को जल्दी से लाइक कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। जीरो लेवल की क्लास प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से हो रही है, बहुत से लोगों के सवाल आते हैं, और आपकी सीटेट और टेट की परीक्षा की मैथ भी सुबह चल रही है, कमेंट करिएगा आपको बताया जाएगा, ठीक है ना? सुबह 5-6 बजे से और 7 बजे से होती है, रात्रि में 11 बजे से प्रतिदिन आपकी क्लास होती है, कौन सी जानते हैं ना? पर्यावरण की क्लास, हर दिन रात 11 बजे से। देखिए सवाल नंबर पहला आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, फिर हम लोग इसको हल करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा 15, 20 और 45 का चतुर्थ समानुपाती क्या है, यानी कुछ इस तरह से, अगर 15 अनुपाते 20 अनुपाते 45 अनुपाते, इस पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, जल्दी से बताइए चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, जल्दी करें। आप जानते हैं ना समानुपाती, हमने आपको बताया था। देखिए सिंपल सी बात है, आप इस तरह का बहुत से सवाल कर चुके हैं, उसमें क्या करते हैं, पहले और तीसरे का गुणा करके दूसरे और चौथे को बराबर कर देते हैं, ऐसे हमने आपको बताया था ना कि अगर 4 हो अनुपात समानुपाती कब होते हैं, ऐसे ए अनुपाते बी, फिर क्या होता है इक्वल, बी अनुपाते सी, सी अनुपाते डी, ये होता है ना। तो ऐसी स्थिति में आपका ये क्या हो जाएगा, 15 और फिर गुणा ये 45 इक्वल 20 अनुपाते, यहाँ पे आप x लिख लीजिए मान लेते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी जगह पे आप चाहे तो गुणा भी लगा सकते हैं या अनुपात भी लगा सकते हैं, तो आप अनुपात ही लगाएं, समझ रहे ना? अब यहाँ से आपको x का मान निकाल लेना है, बस हो गया आपका उत्तर, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। देखिए हमने इसको कैसे कर लिया, बहुत से लोगों को काफी दिक्कत हो रही होगी, तो मैं बता दूं यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगा है ना, इसकी जगह पर हमने क्या माना, इसकी जगह पर हमने माना कि चतुर्थ समानुपाती क्या है, x है, समझ रहे ना? हमने क्या माना, x है, तो समानुपाती क्या होता है आपको बताया गया था, सतत समानुपाती वगैरह से बात पढ़ चुके हैं, है ना? तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 15/45, इसको लिख सकते हैं 20/x, यहाँ से आपको x का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीपल वगैरह कर लीजिए और x का मान निकाल लीजिए सिंपल से, तो 15 के x में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 गुणा x और ये 20 गुणा 45, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 20 गुणा 45 नीचे लाके 15 रख देंगे, 15 × 3 = 45 और ये x बराबर 20 का 3 में गुणा हुआ तो 60, यानी कि जो चतुर्थ समानुपाती कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 60, समझ रहे ना? अगर कोई सवाल है तो आप सब कुछ पूछ सकते हैं, फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे, ना समझ में आने पर कमेंट करिएगा, इस वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें और पीछे करके इसको फिर से देख लें, बार बार देखिए, हजार बार देखिए। मित्रों माफ करिएगा, इसमें से थोड़ा सवाल जो था ना आपका वो अलग तरह से था, कैसे ध्यान दीजिए, ये सवाल आपका ऐसे था 15, 45 और 20, क्योंकि ये किताब का सवाल था इसलिए हमने इसको बनाया नहीं था, तो मैं आपको बता दूं जैसे किताब का सवाल है वैसे आपको करना है, ठीक है ना? क्लियर है? तो ये कुछ इस तरह से सवाल था आपका, तो इसे आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं जैसे हमने बनाया हुआ है, 15, 45 और 20 इंटू लास्ट वाला x मान लिया गया, यहाँ पे आप मान सकते हैं, चाहे तो लिख लीजिए, माना चतुर्थ समानुपाती इक्वल x, ये मान लीजिए, उसके बाद ऐसे ही करना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं, सब कुछ सही है, लेकिन हाँ वो लिखने का थोड़ा सा जो ये था ना सवाल का क्रम बदला हुआ था, तो कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल का जवाब दीजिए, एक बात ध्यान दें, मैं आप लोगों को बार बार बताना चाहता हूं, जो क्लास आपकी छोटी होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा मैटर होते हैं, आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे जब लाइव होता है 1 घंटे का 2 घंटे का बहुत मजा आता है ना, मजा तो आता है ठीक है, लेकिन हमारे लिए मुसीबत होती है, आपके लिए आसानी नहीं होती, आपके लिए भी आपका भी टाइम जाता है, इसलिए हम सोचते हैं कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैटर शामिल हो जाए, ठीक है ना? और 10 ही मिनट में आपके कई टॉपिक हो जाते हैं। आगे देखिए इसमें x का मान क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें फटाफट, हो गया, केवल ए बी सी लिखना है, बस ऐसे लिखना है 2a या फिर 2c या 2d, जो भी सही है, 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि दूसरा सवाल है, क्लियर? देखिए इसको कैसे करेंगे, x का मान निकालना है ना, ये देखिए समानुपात में दिया है, आप जानते हैं समानुपात में दिया है, इसे आप कैसे लिख सकते हैं,
जो बटे में दिया है ना, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 6/15 बराबर x बटे 90। समझ में आया ना? अगर कोई कंफ्यूजन तो आप लोग निसंकोच पूछ सकते हैं। बिल्कुल मान निकाले कि x का हो गया, ये तो सभी लोग जानते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं ऐसे 6 का 90 में, 15 का x में, तो ये हो जाएगा 15 गुणा x 6 गुणा 90। यहां से x बराबर निकाल लेंगे तो 6 गुणा 90 बटा 15 आ जाएगा, 15 6 का 90, x बराबर आ जाएगा 36। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। जल्दी से लिख लीजिए अगले सवाल के लिए, रेडी तुरंत। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए तुरंत। 16:18 समानुपाते x अनुपाते 90, इसका मान क्या होगा x का इसमें? जल्दी से कमेंट करें, ऑप्शन आपके सामने है तुरंत। आपके पास 10 सेकंड के टाइम होते हैं, अगर आप कंपटीशन रियल में निकालना चाहते हैं तो आप उतनी देर में कमेंट कर दिया करें। हो गया कमेंट, नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। देखिए एक सवाल चलते चलते राशियों का अनुपात से संबंधित, ध्यान दीजिएगा, इसे जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर, फटाफट कमेंट करिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी करें, कह रहा कि दो राशियों का अनुपात 3 और 11 का है, यदि उत्तर पद 55 है तो पूर्व पद क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है 25 17 20 19। जल्दी से बताओ, फट से कमेंट करो कितना आएगा। ये अनुपात का सवाल है, आप जानते हैं पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है मालूम है? अरे भाई यही होता है, अगर यहां पर सी अनुपात डी है तो ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, ठीक है ना? इसे आप लिख सकते हैं सी बटा डी, अनुपात में तो बटे में लिख सकते हैं। थोड़ा लाइट कम हो गई होगी ना, क्योंकि एक लाइट बुझ चुकी है ना? देखिए आगे कैसे करेंगे, आप जानते हैं क्या जानते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं फिलहाल। देखिए अभी हटेंगे सब कुछ दिखेगा, प्रश्नानुसार उत्तर पद बटे पूर्व पद, ये होता है ना, उत्तर पद बटे पूर्व पद होता है, और बराबर क्या होता है, दोनों राशियों का अनुपात जो भी दिया हो, ये सूत्र होता है। तो 3:11 क्या दिया है, 11, यानी 3/11, इसमें से उत्तर पद 55 है, यानी कि 55 दिया है, तो हमें क्या करना है, पूर्व पद निकालना है। यहां हमने पूर्व पद लिखा है, क्रॉस मल्टीपल कर लो भाई, तो 3 गुणा क्या हो जाएगा, पूर्व पद बराबर 11 गुणा 55, तो यहां से पूर्व पद क्या हो जाएगा, 11 गुणा 55 बटे 3। काट दीजिए अगर कटे पिटे तो, अगर कुछ गड़बड़ है तो अभी मैं आपको बताता हूं, देखिएगा गड़बड़ हो गया ना थोड़ा सा, जी बिल्कुल गड़बड़ हो गया भाई। देखिए माफ करिएगा, इसमें जहां आप लिखे हैं ना पूर्व पद, उस पे लिखेंगे उत्तर पद, क्योंकि ये फार्मूला थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा था, ये होगा पूर्व पद, ठीक है ना, पूर्व पद ऊपर ऊपर साइड होगा, तो पूर्व पद का गुणा 11 में होगा, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा पूरा ये किस्सा बदल जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान दीजिएगा गड़बड़ी हो जाती है, तो ये हो जाएगा पूर्व पद गुणा 11 इक्वल क्या हो जाएगा, उत्तर पद 55 दिया है ना, तो आप क्या करेंगे 11 का गुणा इसमें हो गया, उत्तर पद इसमें लिख लीजिए पहले ऐसे ही 3 गुणा उत्तर पद, ठीक है, मान अब रख देते हैं क्या करना है, पूर्व पद गुणा 11 बराबर 3 गुणा उत्तर पद 55 दिया था, ये हो गया 55। अब यहां ये पूर्व पद ऐसे लिख लेंगे बराबर 3 गुणा 55 बटे 11, फिर क्या होगा, काट दो भाई 11 से 11 पचे 55, 3 पचे कितना जाएगा 15। ऑप्शन कोई सही इसमें से, कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, इसमें एक ऑप्शन और भी होना चाहिए 15, है ना, क्योंकि बुक का सवाल है ये, जी बिल्कुल 15 आ गया, नोट कर लीजिए इसको, हो गया ना? आप लोग वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हाँ आज की क्लास जो है बस इतना ही, आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया इस छोटी सी क्लास में, गागर में सागर है ना, ये नंबर नोट कर ले जो लोग क्लास को डेली चाहते हैं, 9793488448, इस नंबर पर JOIN ज्वाइन लिख करके व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप स्टेटस को हमेशा चेक करते रहें, क्लास से संबंधित सभी अपडेट आपको व्हाट्सएप स्टेटस में मिलेगी। इसके अलावा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखें,
जिससे कि आप क्लास में जुड़ पाए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, नोटिफिकेशन नहीं ऑन करते हैं, तो आप व्हाट्सएप से क्लास में नहीं जुड़ पाएंगे, ठीक ना, समझ रहे ना। तो और मैं आपको बता दूं, देखिए आपकी किस्मत भी अच्छी, लाइफ भी आ गई, आप लोग पढ़ाई से संबंधित अपनी समस्याओं और सुझावों के लिए विजिट कर सकते हैं pbrstudy.com और हमें ईमेल कर सकते हैं pbrstudy@gmail.com। इसके अलावा गणित के अलावा पर्यावरण, हिंदी, अंग्रेजी, बाल विकास, मनोविज्ञान, इन सभी को पढ़ने के लिए अन अकेडमी पर फॉलो करें। देखिए अन अकेडमी यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ठीक ना, इसीलिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि आप लोग अन अकेडमी पर फॉलो करें, जिससे कि आप लोगों को और भी क्लासेस मिल सकें। और मैथ को आसान बनाने के लिए आप मैथ आसान है चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जी हाँ बिल्कुल मैथ आसान है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप मैथ आसान है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ पीवीआर स्टडी ग्रुप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। अगर आप हमारे सभी चैनल से जुड़े होते हैं तो ये आपकी क्लास बहुत आसान लगने लगेगी। मैथ सिखाने की पूरी गारंटी के साथ आपकी जीरो लेवल की क्लास प्रतिदिन सुबह 5 बजे से होती है। आप उस क्लास को 5 बजे के बाद कभी भी देख सकते हैं। कुछ स्पेशल क्लास देखने के लिए जो क्लास आपको नहीं मिल पाती है यूट्यूब पे, आप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि सभी क्लास आपको यूट्यूब पे नहीं मिल पाती है। बहुत सी क्लासें होती हैं जो अनलिस्टेड होती हैं, स्पेशल क्लास होती हैं, तो उनके लिए आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो स्पेशल क्लास की बात ही अलग होती है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं राजकुमार रघुवंशी फिर से मिलूंगा अगली क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा और इस वीडियो को अपने कम से कम 5 मित्रों में शेयर करिएगा, ऐसी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद जय भारत।